सो एक और खतरनाक वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी खतरनाक हेडशॉट ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसके साथ ऑटोमेटिकली हेडशॉट्स पड़ जाते हैं। इस ट्रिक के बारे में मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था मैक्सा का गेम प्ले दिखा के, और उस वीडियो में मैंने सिर्फ रिएक्शन दिया था। मैंने ये सोचा था कि भाई आप समझ जाओगे, पर बहुत सारे प्लेयर्स ने कमेंट्स किए थे कि भाई हमें कुछ भी पता नहीं चला और आपने कुछ भी नहीं बताया, आप सिर्फ कमेंट्री किए जा रहे हो। तो इसीलिए हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं, और इस वीडियो में मैं आपको फुली डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने इस ट्रिक का यूज कैसे करा। तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको मैक्सा की ये वाली वीडियो दिखाई थी, और इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा था कि ये देखो कि मैक्सा के हेडशॉट्स कहां पे लग रहे हैं। दो तीन मैंने आपको इजी पॉइंट बताए थे कि जब एनिमी फायरिंग कर रहा है तब मैक्सा उसे हेडशॉट मार रहा है, या फिर एनिमी सीधा भाग रहा है एक डायरेक्शन में बिल्कुल सामने की साइड तब उसे हेडशॉट लग रहा है, और बीच बीच में कुछ ऐसे जंप करके खतरनाक हेडशॉट्स लग रहे थे जो कि प्रैक्टिस के साथ। तो भाई आप सब ये देख के नहीं समझे, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। मगर क्यों? तो पूरी वीडियो में सिर्फ पॉइंट नंबर वन ही होने वाला है। तो पॉइंट नंबर वन ये है कि आपने एनिमी के साथ क्लोज रेंज में फालतू में फाइट नहीं लेनी, आपने गेम को थोड़ा सा समझदारी के साथ खेलना है और गेम के मैकेनिज्म का यूज करना है। एग्जांपल देखो आप इस क्लिप के अंदर, एनिमी यहां से भाग के आया और मैंने कूद के हेडशॉट मारने का ट्राई किया, बट रिकॉइल हो गया, हेडशॉट नहीं लगा। फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया, एनिमी मूव वॉक कर रहा था, इसे फिर से हेडशॉट नहीं लगा। उसके बाद एनिमी फायरिंग कर रहा था, मैंने ड्रैग किया, इस बार भी हेडशॉट नहीं लगा क्योंकि मैंने सही तरीके से ड्रैग नहीं किया, पर उसके बाद हेडशॉट लग गया क्योंकि एनिमी फायरिंग कर रहा है। तो गेम का मैकेनिज्म ये है कि जब एनिमी फायरिंग कर रहा होता है ना, उस टाइम पे उसका कैरेक्टर सीधा होता है और उसे इजी पीजी हेडशॉट लग जाता है, और सिंपल सा स्ट्रेट ड्रैग करने पे भी हेडशॉट लग जाता है। वो करने वाले प्लेयर्स इसीलिए ज्यादा हेडशॉट्स मार पाते हैं क्योंकि वो इसी ट्रिक का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नूवो किया और मैं ये ट्राई कर रहा था कि एनिमी पहले फायर करे, बट एनिमी ने फायर नहीं किया, मैंने पहले फायर कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से ऐसा ही किया, एनिमी कूद गया और फायरिंग भी कर रहा था, और इसे इजी पीजी हेडशॉट कनेक्ट हो, और हमें उल्टा सीधा ड्रैग भी नहीं करना पड़ता है, सिंपल सा स्ट्रेट ड्रैग करो हेडशॉट लग जाता है। बस आपने इस ट्रिक को समझदारी के साथ यूज करना है, उसके बाद आपके ऑटो हेडशॉट्स लगेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, एनिमी को मैंने देखा, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर फायर किया बट इसको हेडशॉट नहीं लग पाया। कवर में जाके मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से हेडशॉट नहीं लगा, और इस टाइम पे देखो एनिमी यहाँ पे फायरिंग कर रहा है, पूरा स्पैम, अंधा स्पैम, और इस टाइम पे इसे इजी पीजी हेडशॉट। और मैंने आपको ये कहा था कि इस ट्रिक को आप अच्छे से मास्टर कर लेना, उसके बाद आपके बहुत सारे हेडशॉट्स लगेंगे। पर कुछ प्लेयर्स ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई हम सेकंड फायर करने का वेट करते हैं और एनिमी हमें पहली गोली में हेडशॉट मार देता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, किसी भी चीज को मास्टर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैंने स्टिक को थोड़ा सा मास्टर कर लिया है, यहाँ पे एनिमी मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा था और मैं यहाँ पर पीछे को घुमा और मैंने इसे हेडशॉट मारा। अब दूसरी क्लिप के अंदर देखो, यहाँ पे एनिमी यहाँ पे था, मतलब कि कवर के पीछे था, और मैं बिल्कुल खुले में चला गया और मैंने एक बार फायर किया, दूसरी बार मैंने थोड़ा सा वेट किया, जैसे एनिमी ने फायर किया मैंने फायर किया, इसको हेडशॉट लगा। अब कुछ प्लेयर्स ऐसा कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई ये तुम्हारे सामने जो एनिमी है ये नूब है, साले तू। मेरे हेडशॉट्स इन प्लेयर्स को इजी पीजी कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो कुछ पिकाचुओं को देखने पे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो एनिमीज है वो नूब है, बट ऐसा नहीं, क्योंकि भाई बात ऐसी है कि हम इस ट्रिक को पूरा अच्छे से यूज करते हैं। आप इन क्लिप को जरा ध्यान से देखना, जितनी भी क्लिप्स के अंदर मैंने ये ट्रिक यूज की है उसमें मैं थोड़ा सा एनिमी से डिस्टेंस बना के, अगर आप एनिमी के क्लोज ही चले जाओगे फिर तो वो आपको बॉडी बॉडी से भर देगा, अगर आप मिड रेंज में होगे तो गन्स का डैमेज कम पड़ता है, आपको बॉडी बॉडी लगेगा, और अगर आपने वन टाइम मार दिया वो फिनिश हो जाएगा और आपकी एचपी थोड़ी सी कम। और मैक्सा की वीडियो के अंदर भी देख लो, 4v4 में थोड़ा सा अलग सीन हो सकता है, आप क्लोज रेंज में मार सकते हो क्योंकि वहां पे भसड़ होती है और एनिमी एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करने में बिजी होते हैं, आप क्लोज रेंज में भी चिपका पाओ। तो इस वाले एनिमी को, पहले एनिमी को मैक्सा ने हेडशॉट मारा क्योंकि इस टाइम पे ये एनिमी फायरिंग कर रहा था, इसको इजी पीजी हेडशॉट कनेक्ट हो गया। दूसरे एनिमी को इसलिए हेडशॉट लगा क्योंकि वो जगह पे बैठा था, और तीसरा एनिमी भी कूद के फायरिंग कर रहा था इसलिए उसको इजीली हेडशॉट लग गया। और यहाँ पे देखना, चार एनिमीज को एक साथ हेडशॉट मारा है, पहले एनिमी को हेडशॉट मारा क्योंकि ये एनिमी की साइड को भाग रहा था और उस साइड को ड्रैग किया, इसको हेडशॉट लग गया। दूसरा एनिमी आया, उसने फायरिंग की और जंप भी किया इसलिए उसको हेडशॉट लग गया। तीसरा एनिमी कर रहा था फायरिंग, उसको भी इसीलिए हेडशॉट लगा। और चौथे एनिमी को देखो, ये फायरिंग कर रहा था और यहाँ पे थोड़ा सा जोस्टिक पकड़ा और हेडशॉट मारा। और आगे भी जितनी भी क्लिप्स हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई आपको हर बार सेम ही चीज देखने को मिलेगी कि हेडशॉट तभी लग रहा है जब एनिमी फायरिंग कर रहा है, या फिर कूद के आ रहा है, या फिर सीधा एक जगह पे भाग रहा है, इजी सिचुएशन पे ही हेडशॉट लग रहा है। अच्छा, हमें और इनमें सिर्फ इतना सा फर्क होता है क्योंकि ये प्लेयर्स गेम को काफी ज्यादा खेलते हैं और बहुत ज्यादा टाइम तक खेलते हैं, और इन्होंने इस ट्रिक को इतना अच्छे से मास्टर कर लिया होता है कि पता भी नहीं चलता कि ये बंदे इस ट्रिक का यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। और रही बात हर बार हेडशॉट लगने की, तो भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी के भी हर बार हेडशॉट्स नहीं लगते हैं, ना मेरे, ना आपके, ना किसी और यूट्यूबर के, ना किसी पीसी प्लेयर। और जो आप वीडियोस के अंदर देखते हो कि भाई हेडशॉट ही हेडशॉट लग रहे हैं, तो आपको सिर्फ उन्हीं क्लिप्स को दिखाया जाता है, वीडियो बनाने के लिए सिर्फ वही क्लिप्स यूज होती हैं जिनमें हेडशॉट्स लगे होते हैं। और कुछ प्लेयर्स कमेंट्स कर रहे थे कि भाई कस्टम के अंदर सेकंड फायर ट्रिक का यूज कैसे करते, तो देखो कस्टम के अंदर हर बार इस ट्रिक का यूज
यूज़ नहीं किया जा सकता है। लिमिटेड गेम के लिए ये ट्रिक बहुत ज़्यादा बेस्ट। फुल मैप के ऊपर CS के अंदर लिमिटेड टूर्नामेंट के अंदर आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, आपको हेडशॉट्स मिलेंगे और आप इसी ट्रिक का यूज़ करके ऑटो गन्स के साथ भी हेडशॉट्स मार सकते हो। तो बस फिर गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय बाय।